कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 16वां अध्याय। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दें। और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे, और मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर तो जाना ही है, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहां ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहां काटूं। तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुंचा दो, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। परंतु मैं पिंतिकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहां निडर रहे, क्योंकि वह मेरी नाई प्रभु का काम करता है, इसलिए कोई उसे तुच्छ न जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूं कि वह भाइयों के साथ आए। और भाई अपुल्लोस से मैंने बहुत विनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की, परंतु जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखिया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी हैं। और मैं स्तिफनास और फूर्तुनातुस और अखैकुस के आने से आनंदित हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरी की है और उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसों को मानो। आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। सब भाइयों का तुमको नमस्कार। पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो। हमारा प्रभु आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सब से रहे। आमीन।